कल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा सीधे तौर पर कह दिया गया था कि आज के दिन से जितनी भी ट्रांसपोर्ट है जम्मू कश्मीर में वो बहाल हो जाएगी। और इसका सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं, ये बस है, अभी ये नवाशहर के लिए जो है यहाँ से निकलेगी, लेकिन सवारी की बात की जाए तो सवारी बिल्कुल ना के बराबर है। कोई सवारी, इक्का दुक्का सवारी जो है वही यहाँ पर मिल रही है। और फिलहाल अगर गाड़ी के अंदर के दृश्य भी हम आपको दिखा दें तो एक दो लोग, तीन चार सवारियाँ जो हैं वही यहाँ पर बैठी होंगी, उससे ज़्यादा जो है वो आपको नहीं दिखाई देगी। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो सवारियाँ काफ़ी कम हैं, क्योंकि ये अभी देखा जाए तो डेढ़ महीना हो गया है। डेढ़ महीने के बाद ये जो बसें हैं ऑन रोड हुई हैं, ऑन रोड जो है ये चलाई जा रही हैं। अभी यहाँ पर हमारे साथ ड्राइवर हैं इस बस के, इन्हीं से बात करते हैं। के ना थोड़ा राजकुमार जी, कितनी देर बाद आज थोड़ी गाड़ी रोड पर चला दी है? आज कोई 42-43 दिन हुई है, पहला फेर आया। पहला फेर हाँ जी। सवारी लब्भा दी? सवारी इंजन तेल कोला बड़ा पौना। लेकिन जल बिठाई दी होना पौधा स्टैंड पर। डेढ़ महीना तुम घर गुजारे हो, कोई खर्चा पानी है वो कुछ चलिया के? एक मिनट वीर, ए इयां इस तरह है की दसीए, प्राइवेट काम च की होंदा हूँ इस उम्र च, अहें करना भी की है, 50 साल तो होइए इत्थे काम करदे। इस वेले गड्डी तुसें किन्नी, ये 50% के आखा दे, 50% आखा दे ने, पर सवारी 50 भी है नहीं साढ़े कोल, 50 भी नहीं मिला दी। जे अगर 50 मिला भी तो नहीं है सवारियों कन्ने, 85 रुपये तो कुछ पैसे तेल है, कियां पूरा करना इस हिसाबे ते? फिर तो गड्डी चली गई नहीं सकदी। मैं आखा दा साढ़े लई दे लाले पे दे ना सानू। हाँ जी हाँ जी। खाली थोड़ा नहीं है, जिन्ने भी ट्रांसपोर्टर सारे सारे है, पर जेडे अस जेडे मेहनत करने वाले हे, हूँ उम्र देखो ना, 1971 च मैं कनैक्टरी करन लगा, पूरी उम्र करिए ड्राइवरी करिए, तो अजे भी उ धक्के खा दे, अहें की कर लेना, कुत्थू पूरे कर लेने, अजय हूँ इंश्योरेंस भरी आ, पिछली भरी ही तो पिछला पिछले च चली गई, हूँ भरी दी है तो एकड़े इं जा रही है, सू कुछ पूछा ही नहीं भी कुदरा आए तो कुदरा नहीं। खर्चा कि चलता थोड़ा, क्योंकि परिवार भी थोड़ा काफ़ी होना, खर्चा बहुत मुश्किल है जी इस टाइम तो, बहुत मुश्किल। बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इये हालात रहे तो लगता नहीं अगे भी तुम गड्डी फिर तुम बोझे पाई पाई अपना। जे अस पूरा सोचा तो अस आखने कई बार अटैक नहीं हो जा, क्योंकि जल्द बंद आमदन नहीं आवे तेल कि दुहारा तो पाना नहीं कुछ। जिन्हें कि जी एसोसिएशन है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन्हें तो आखिया कि एक हफ्ते गड्डी चलाने, बाद एल जी साहब ने आखा दे कि किराया बधा तुम थोड़े भी शनिवार तक में तो अखबार पढ़ी है भाई, शनिवार तक कर दसा देना भाई दिखने, पर मुश्किल है इन्हें हाले सारा अगर नहीं बधाया इन्ने चेर का कुछ ना, तो गवर्नमेंट ने की सानू नहीं कुछ पूछा भी कुदरा मरा रहे हो जी रहे हो, कुछ आखना चाहोगे अपनी तरफों कुछ जो थोड़ी तरफ? ना ना साड़ी तरफा की दसना, अस दे जीरो हाँ, अहें की आखना। जल तक सवारी नहीं लगभग थोड़ी गड्डी इंजा स्टार्ट रही है इंजा भी हूँ जनाब करिए थोड़ा जहा करना पे, नहीं तो अहें निकली जाना। हाँ किन्ने फेरे पहले जले सवारियां लगदी है, किन्ने फेरे लगियां दे फेरे तो वे रूटीन च कोई दो आ लगदे है, पर लेकिन है नहीं है काम नहीं ना, फिर अस काम थोड़ा हुंदा होले ठीक है हुण जाना है सीधे घर आइए चली जाना, की गल के तसल्ली होई गई है ते 20 लीटर तेल है ते 2700 दा कुत्थू पौना, ओदे बोझ च लगियां मतलब साडा 1000 रुपया भी नहीं बणिया जे साडा कोई दिखी लै ते। आप समझ सकते हैं सीधे तौर पर पीछे गड्डी आई है, अभी थोड़ा टाइम ले लो, अभी इनकी गाड़ी यहाँ से निकली क्योंकि पीछे एक और गाड़ी है, ओदा भी हाल ही होना, तो हाल है बेचारा मेरे अगर लगा जो डेढ़ महीना तो पिछला गुजरिया, वो किया गुजरिया ठीक गुजरिया चंगा माड़ा जनिया भी गुजरिया ठीक गुजरी है थोड़ी पीछे बात है पहले थोड़ा पहला फेरा या एक लाई है पहला फेरा या वाला तो पहला जा रहे हो। सबका यही हाल है, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं सबका यही हाल है, क्योंकि दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं, तेल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तेल की कीमतों में कोई भी कमी जो है वो नहीं आ रही है, बस की कैपेसिटी आप जान सकते हैं कितनी, हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो बसें चलाई जा सकती हैं, और ट्रांसपोर्टर्स ने भी यही कहा कि चलिए हम 50% कैपेसिटी के साथ अपनी गाड़ियां जो है ऑन रोड चला देते हैं, क्योंकि लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उसी चीज़ को देखते हुए
ट्रांसपोर्टरों ने कहा चलिए हम आगे हाथ बढ़ाते हैं, हम अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, थोड़ा जो आगे ही पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था अब कुछ और नुकसान देख लेते हैं। एक हफ्ते का टाइमिंग दिया गया है, एक हफ्ते के बाद जो है देखेंगे कि एक हफ्ते के बाद सरकार की तरफ से क्या उनको कोई पॉजिटिव चीज़ आती है कि नहीं आती है। तो उसको इंतज़ार करा दो, गड्डी का इंतज़ार करा दो। ये ट्रक से जुड़े हुए हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में ट्रक आते हैं। लेकिन एक बस पहले चली गई है, ये एक और बस है, टाइमिंग के हिसाब से चलती है, एक ही एरिया की है, वो भी आरएसपुरा की बस थी, ये भी आरएसपुरा की बस है। अब इस बस को आप देख सकते हैं, उस बस को भी हमने जब बात की 5 से 10 मिनट हमारे हो गए, एक भी व्यक्ति और जो है एक सवारी और भी नहीं चढ़ी। और इस बस को देखिए, ये बस भी यहाँ पर खड़ी है, बंद रखी गई है क्योंकि सवारी ही नहीं है, और जब सवारी नहीं है तो ये अपना जो है गुजर बसर कैसे कर पाएंगे। अंदर के दृश्य भी हम आपके बस के अंदर के दृश्य भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल खाली बस है। और इसी तरह के जो हालात हैं वो मिनी बस वालों के भी है, यानी कि मिनी बस की बात की जाए तो मिनी बस में भी इसी तरह के हालात देखे जा रहे हैं, इसी तरह की जो दृश्य हैं वही देखे जा रहे हैं कि मिनी बसों में भी सवारियां बिल्कुल नहीं हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसी सवारियां दिखें, कुछ ऐसी सवारियां हों जो, क्योंकि अभी पहला दिन है, पहले दिन लोग भी कतरा रहे होंगे, डर रहे होंगे कि हमें कहाँ क्या निकले नहीं निकले मेट्रो में, या बस का इस्तेमाल करें या नहीं करें, एक डर बना रहता है। और एक चीज़ और है, ये भी कहा गया है कि अब अगर सवारियां बैठेगी तो उसके बाद इसको सैनिटाइज भी करना है, ये जो ट्रांसपोर्टर है उनको ये भी ध्यान में रखना है कि इसको सैनिटाइज भी बस को करते रहें, या मिनी बस जो मेट्रो चला रहे हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाए। और लोगों को अभी ये देखना होगा कि अगर आने वाले समय में लोग बाहर आते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसके साथ ही लोग अब धीरे धीरे अपने कामकाज की तरफ भी निकल रहे हैं, ध्यान यही रखना होगा कि मास्क पहन के रखिए। डबल मास्क का ये कहा गया है कि अगर आप गाड़ी में चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो डबल मास्क का इस्तेमाल करिए और बाकी एहतियात बना कर रखिए। लेकिन फ़िलहाल बुरी हालत है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, जिस तरह से बार बार जब हम भी उनसे इंटरव्यू करते हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं या चेयरपर्सन, उनसे बात होती है तो उनका भी यही कहना होता है कि फटे हाल है सबके, क्योंकि जो गरीब तबका है, जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, उनके तो हालात देखे भी नहीं जा सकते। अभी तो चल पड़ी है लेकिन जब सवारी होगी तभी उनके पास तो किराया आएगा, और किराया होगा तभी उनके जो आगे का दिनचर्या है वो चल पाएगा। जिस तरह से अभी हमने जिन ड्राइवर साहब से बात की, उन्होंने ये कहा कि अभी सिर्फ मैंने इंश्योरेंस दी है, 1.5 महीने के बाद बसेस, मिनी बसेस चल रही हैं, और इंश्योरेंस की बात की जाए या और जो मेंटेनेंस रहती है गाड़ियों की, वो तो वो भरते चले जा रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से सहूलियात या कुछ ऐसी कोई पॉलिसी उनके लिए नहीं आ रही है जिनसे उन्हें कुछ रियायत मिल सके, वैसा कुछ उनके सामने नहीं आ रहा है, जिस तरह से उन ड्राइवर साहब ने भी कहा था। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी। बसेस, मिनी बसेस तो रोड पर आ चुकी हैं लेकिन काम धंधा अभी भी ज़ीरो है। हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में हालात कुछ सुधर जाएं, लेकिन कोविड को देखते हुए जो SOPs या गाइडलाइंस रहती हैं उसका भी खासा तौर पर इन ड्राइवर कंडक्टर को और साथ में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को, साथ में आम व्यक्ति आम जनता को भी रखना है, जिसे इन गाड़ियों पर सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह जाना है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।